हेलो हाय दोस्तों, तो आज हम आए हैं ग्रामशाला और ग्रामशाला में ये एक दुकान है हमारे स्टूडेंट अनुराग टीके करके। तो ये उनके पापा हैं जो गाड़ियों का काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा अनुराग टीकेकर का घर और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अनुराग से। एक हमारे टीचर हैं फिजिक्स वाले जो अनुराग से डिस्कस कर रहे हैं। ये रहे अनुराग और आज इनका 10th CBSE का रिजल्ट आया है और इन्होंने 10th CBSE का पेपर दिया था। तो मैथ्स जो इनका था वो स्टैंडर्ड मैथ्स स्टैंडर्ड से एक फॉर्म भरा हुआ था। तो टोटल इनके जो है मार्क्स 94% बने हैं और आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे अपनी पढ़ाई करते। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी जो किताबें हैं जो इन्होंने साल भर चीज़ें पढ़ी होगी, तो सारी बुक्स आप देख सकते हैं इनमें। मैथ्स की भी अगर हम देखें तो NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सारी बुक्स हैं इनके पास। और अभी 11th की प्रिपरेशन इन्होंने ऑलरेडी 2 महीने से स्टार्ट कर दी है। तो अब हम लोग चलते हैं अनुराग अपनी पढ़ाई कहाँ पर करते हैं। अनुराग जो है वो अपनी पढ़ाई जो करते हैं ऊपर छत पर, इनका एक छोटा सा घर है और इन्हीं पर, इसी के छत पर ऊपर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है जिसमें वो अपनी पढ़ाई करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से उन्होंने चीज़ें बनाई हैं और अपना सेटअप, अपना स्टडी रूम या बोल सकते हैं कि कैसे तैयार किया है, चीज़ों को समझते हैं। तो ये हम आ गए उनके यहाँ ऊपर और ये रही अनुराग की छोटी सी कुटिया जिसमें वो पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर एक कूलर रखा हुआ है और ये जो कुटिया है बनी हुई है, आप चलते हैं हम कुटिया के अंदर और देखते हैं यहाँ पर। तो ये अनुराग की कुटिया देखिए आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल लगा हुआ है और ये घास की जो बरू आती है, बरू या क्या बोलते हैं सर इसको, बरू ही बोलते हैं। तो ये बरू की एक कुटिया बनी है। तो ये बहुत वातानुकूलित कुटिया है, गर्मी का एहसास नहीं होता है ना ही ठंडी का एहसास होता है यार, क्योंकि गर्मी में बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा इसका रूम रहता है, यहीं पर एक खटिया लगी जिस पर ये रात में सो भी जाते हैं, एक चेयर, एक टेबल रखी है और ये रखी है उनकी बुक्स। तो इस तरीके से ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं अनुराग। और अब जानेंगे हम अनुराग से कि अनुराग का क्या एक्सपीरियंस रहा क्लास 10th में और वो आगे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। अनुराग, आप बताएंगे अपने बारे में और बताएंगे 10th में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हैं आप क्लास 10th के जो नेक्स्ट ईयर 10th में अपीयर होंगे। जैसे कि आप सभी को सर ने बताया कि मेरे 10th CBSE बोर्ड में 94% आए हैं, तो उस सबका श्रेय में मेरे सभी टीचर्स को और मेरे माता पिता, मेरे घर वाले, उनको देना चाहता हूँ। क्योंकि यदि वह मुझे मार्गदर्शन नहीं देते तो मेरे 94% नहीं आ पाते। और फिर उसके बाद यदि मैं बात करूँ एकेडमिक्स की, तो उसमें सबसे पहले आपको बेस बनाना है, तो बेस बनाने के लिए पहले NCERT सॉल्व करें और जो भी आपको स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाते हैं उससे समझें, उसके बाद में NCERT के क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। और उसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरा हार्ड लेवल तक उसे प्रिपेयर करना है किसी भी टॉपिक को, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ बुक्स लगा सकते हैं, जैसे मैथ्स में RD शर्मा लगाते हैं जनरली। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और बात करें कि हमें जब कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना रहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्टर रहता है, वो है कंसिस्टेंसी। यदि आप पूरे साल कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे तो आप लास्ट में ज़रूर सफल होंगे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और बाकी दिन आपने छोड़ दिया। आप निरंतर दिन में 4 से 5 घंटे या 2 से 3 घंटे भी निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह रेगुलर रहना चाहिए, बीच में आपने कंसिस्टेंसी तोड़नी नहीं है। तो यही मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। और मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग, अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही, जैसे मैथ्स है, साइंस है, तो बहुत सारे बच्चे दूसरे टीचर का सहारा लेते हैं, तो आप कौन से टीचर को गाइड करेंगे आप? सर, मैं यहाँ पर किसी भी एक टीचर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उस टीचर से पढ़ सके। तो इसमें सबसे अच्छा माध्यम मैं समझता हूँ, यदि आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग में ही जाइए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, और फिर भी यदि दिक्कत है तो आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनका सहारा ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है मुझे, ठीक है, जिससे आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है
तो आप उससे समझ सकते हैं। अच्छा, तो आपने कौन से टीचर का सहारा लिया? चलिए आप दूसरों को छोड़िए, आपने कौन से टीचर से पढ़ाई की? मैंने सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल के टीचरों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कौन से स्कूल, आपके स्कूल का नाम? मेरी स्कूल विमला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सनावद में है। और फिर उसके बाद में मैं अखिलेश सर से पढ़ता था जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं उड़ान अकेडमी में। अच्छा, और उसके बाद में जब साइंस की बात करें तो साइंस में मैं मृदुला टीचर से पढ़ा था, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी टिप्स दी जिससे मैं अपने साइंस के सब्जेक्ट में एक्सीलेंट स्कोर कर पाऊँ। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि अखिलेश सर से आपने मैथ्स पढ़ी जो कि उड़ान अकेडमी के डायरेक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, तो उनका एड्रेस बता सकते हैं कहाँ पर है उड़ान अकेडमी? उड़ान अकेडमी सनावद में स्थित है, ऋत्विक हॉस्पिटल जो है उसके सामने। ठीक है बेटा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए उड़ान अकेडमी और विमला का स्कूल कामना करता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।